रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन टैक्स लॉस क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, वही मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नाम के अग्रवाल है। ये देखिए दोस्तों कैसे काम करता है ये। मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का फैकल्टी हूँ। मेरी अगर क्लासेस लेनी है तो superprofs.com में अवेलेबल है। मैंने कुछ किताबें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में लिखी हुई हैं, जो आप taxbykk.com में PDF फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। और मैं बहुत सारे टैक्स मटेरियल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, जो आप taxbykk.com में देख सकते हैं। अगर आपको ये बातें जो मैं बताता हूं वो अच्छी लगती हैं, तो अपने स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल फ्रेंड्स को जरूर बताएं। अब कहानी समझिए, प्रोसेस ऑफ अपील इन इनकम टैक्स लॉ कैसे होता है, पूरी कहानी। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन 2005 में हुआ, ऑब्वियसली असेसमेंट 2008 में जाके होता है, 5 6 2 साल का टाइम है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 2008। इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं, तो अपील अगेंस्ट एओ ऑर्डर। पहला अपील सीआईटी अपील के पास जाता है, फिर ITAT, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज करते हैं, और सीआईटी अपील और ITAT में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों को चैलेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहानियां दी हुई हैं, तो वो अलग मैटर है, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अब 2008 में असेसमेंट ऑर्डर आया, 30 दिन के अंदर अपील सीआईटी अपील, 60 डेज, फिर 120 डेज, 180 डेज सुप्रीम कोर्ट तक, ये कहानी है। अब केस लॉ इतने ज्यादा है, मल्टीपल अपील की भी कहानी है, मैं किसी और वीडियो में मल्टीपल अपील कैसे सेम इश्यू पे क्यों होता है वो बाद में देखेंगे कभी किसी और इश्यू में। यहां देखिए, तो 30 दिन के अंदर केस कहां पहुंच गया, सीआईटी अपील। अब सीआईटी अपील में एडवाइजरी 1 साल के अंदर अपील डिसाइड करना होता है, तो 1 साल के अंदर डिसाइड करता है, 60 दिन के अंदर ITAT में जाना पड़ता, तो वो 2012 में केस, और यहां पर 4 साल का पीरियड है, ठीक है। तो केस ट्रेवल करते करते हाई कोर्ट में पहुंचता है। अब बताइए, हाई कोर्ट जब केस डिसाइड कर रहा होगा 2015 में, तो किस ईयर का डिसाइड कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो कौन से ईयर का लॉ अप्लाई कर रहा होगा, 2005 का। अब सरकार जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है उसको अगर जीतना है, तो ऑब्वियसली 2014 या 2015 में एक अमेंडमेंट लेके आती है, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कब से करेगी, 2005 से कर देगी। अब हाई कोर्ट 2005 का जब केस लॉ अप्लाई करेगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो चुका होगा। हाई कोर्ट 2005 का लॉ अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली वो किसके फेवर में डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से, 2015 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आया, लेकिन किस ईयर का लेके आया, 2005 से। यानी कि 2005 से जितने भी केसेस पेंडिंग हैं वेरियस सीआईटी अपील, ITAT, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट उन सभी केस को जीत जाएगी। तो गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों लेके आती है, पेंडिंग केसेस को जीतने के लिए, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है, सर सेक्शन 147 में जो रीओपनिंग ऑफ ओल्ड असेसमेंट है, क्या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण ओपन हो सकता है? यस, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि खोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ पिछले 6 सालों का। क्या डिपार्टमेंट एक्चुअली 147 अप्लाई करती है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के लिए? इनवेरिबली नो, इनवेरिबली नो। हाँ, बहुत 2000 करोड़, 5000 करोड़ का केस हो तो शायद ओपन कर दे, लेकिन चांस बहुत कम होता है। ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ये करती नहीं है। तो ये बात निश्चित है कि गवर्नमेंट को जब भी पेंडिंग केसेस जीतना होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आती है। वोडाफोन के केस में इतनी हंसी गवर्नमेंट की सिर्फ इसलिए उड़ाई गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आया गया, जो गलत था, ऑब्वियसली गलत था। कोर्ट, वोडाफोन का केस कोर्ट में पेंडिंग होते हुए अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ जाते तब तो बात अच्छी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद, वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट से जीत गया उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आया, इसीलिए वर्ल्ड ओवर इसकी, इस इंडियन गवर्नमेंट की ऑब्वियसली बहुत मजाक उड़ाया गया, यूं कहें तो। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेरी ये जो मैंने जो भी बातें की वो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा।